हरे कृष्णा, क्या हम दीक्षा से पहले तीन राउंड कंठी माला पहन सकते हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु को दशावतार में क्यों नहीं काउंट किया जाता? प्रभु जी, एकादशी वाले दिन शेव और सर के बाल कटवाना क्यों मना किया जाता है? इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न लोगों ने पूछे थे। कल का मैंने एक वीडियो इसका पार्ट बनाया था, आज उसी वीडियो का दूसरा पार्ट है और बाकियों के जिनके प्रश्न रह गए थे वो आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो आपसे निवेदन है कि कृपया इसको पूरा देखिएगा, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया ज़रूर सब्सक्राइब करिए। पहला प्रश्न माता जी पूछती हैं, प्रभु एक राउंड क्यों नहीं पहन सकते? और मैंने कहीं ऐसा भी देखा है कि काफ़ी भक्तों के तीन राउंड कंठी माला पहनी हुई थी और दीक्षा भी नहीं थी और कह रही थी कि हमारे शिक्षा गुरु ने कहा है। माता जी पूछ रही हैं कि एक राउंड कंठी माला हम क्यों नहीं पहन सकते? और मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि कुछ लोग दीक्षित नहीं थे परंतु फिर भी उनके तीन राउंड कंठी माला पहनी हुई थी, कहा कि उनके शिक्षा गुरु ने ऐसा कहा है। देखिए, एक राउंड कंठी माला पहनना या दो राउंड कंठी माला पहनना या तीन राउंड कंठी माला पहनना या एक से ज़्यादा दो या तीन कंठी मालाएं एक साथ पहनना, ये डिपेंड करता है संप्रदाय पे, क्योंकि इसके बारे में कोई नियम नहीं बताया गया है। परंतु इतना ज़रूर बताया गया है कि आपको कंठी माला पहननी चाहिए और आपको एक राउंड कंठी माला पहननी चाहिए, दो राउंड या तीन राउंड इसका कोई ख़ास नियम नहीं है। हर संप्रदाय में इसका अलग अलग होता है। मानो कि जैसे हम इस्कॉन की बात करते हैं तो इस्कॉन में जब व्यक्ति नया भक्ति में आता है और नियमों का पालन करता है तो वो दो राउंड कंठी माला पहन सकता है, दो से एक नहीं। एक राउंड कंठी माला इस्कॉन में नहीं पहनते, दो राउंड कंठी माला पहनते हैं। और जैसे ही दीक्षा हो जाती है तो उसकी कंठी माला तीन राउंड कर दी जाती है। तो ये इस्कॉन में नियम है, तीन राउंड से वो आगे नहीं बढ़ा सकता और ना वो एक राउंड कंठी माला पहन सकता है, ये इस्कॉन में ये नियम है। और कहीं आप अगर दूसरे संप्रदाय के बारे में आप जानोगे या देखोगे तो बहुत से संप्रदाय में इनका कोई ख़ास नियम नहीं होता है, वो दो कंठी मालाएं भी पहन लेते हैं दीक्षा हो दीक्षा नहीं हो, या फिर तीन राउंड कंठी माला भी पहन लेते हैं, या फिर वो एक राउंड कंठी माला भी पहन लेते हैं। तो उनका कोई ख़ास नियम नहीं होता है, परंतु आप देखिए कि आप किस संप्रदाय में जुड़े हुए हैं, डिपेंड करता है किस संप्रदाय से जुड़कर उनका नियम क्या है इसके बारे में। अगर आप इस्कॉन से हैं तो इस्कॉन में नियम है दीक्षा से पहले दो, दीक्षा के बाद तीन। हमारे संप्रदाय के जो नियम हैं उसी के अनुसार हमें रहना है। परंतु देखो कि दूसरे संप्रदाय में इनके अलग अलग नियम होते हैं या तो फिर इनके नियम नहीं होते हैं, तो उनके नियमों को देखकर, उनके संप्रदाय को लोगों को देखकर हम अपने संप्रदाय की जो नियम है उनको चेंज नहीं कर सकते और ना हमें करना चाहिए, ना अपनी मनमानी से उन्हें देखकर हमें उनकी चीज़ों को अपनाना चाहिए। हम जिस संप्रदाय में जुड़े हुए हैं तो उसी को ही फॉलो करना चाहिए, परंतु याद रखना चाहिए कि संप्रदाय वैष्णव ही होना चाहिए। चार वैष्णव संप्रदाय हैं, आप इनमें से किसी को भी फॉलो कर सकते हैं, परंतु उसी संप्रदाय के हिसाब से आपको नियमों का भी पालन करना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न एक माता जी पूछती हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, दोनों प्रणाम। प्रभु जी, कैन यू प्लीज़ टेल वाई श्री चैतन्य महाप्रभु इज़ नॉट काउंटेड इन द दशावतार ऑफ द लॉर्ड? माता जी पूछ रही हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के दशा अवतार में क्यों नहीं गिने जाते हैं? देखिए माता जी, इसका मेन रीज़न ये है कि श्री चैतन्य महाप्रभु इस धरातल पर जब आए थे तो वो भक्त के रूप में आए थे, भगवान के रूप में कभी भी नहीं आए वो, और हमेशा उन्होंने हरि नाम के बारे में ही प्रचार किया, भगवान कृष्ण की भक्ति के बारे में प्रचार किया। भगवान ने ऐसा कभी नहीं कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने कभी नहीं कहा कि मेरी भक्ति करो मेरी शरण में आओ, तो ऐसा नहीं कहा। शास्त्रों में इसके बारे में बताया गया है कि हम जानते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान के अवतार हैं और स्वयं भगवान है वो, परंतु जब कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर आए थे वो एक भक्त के रूप में, एक डिवोटी के रूप में इस धरती पर आए थे, तो उन्होंने उसी के अनुसार भक्ति का प्रचार किया।
तो ये रीज़न है इसका कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को दशावतार में काउंट नहीं किया जाता। तीसरा प्रश्न एकादशी के बारे में पूछते हैं। शीतल प्रभु लिखते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी दोनों प्रणाम। मेरा एक सवाल है, जब हम एकादशी रखते हैं तो जैसे कि बताया गया है कि एकादशी में हमें बाल नहीं काटने चाहिए, तो क्या एकादशी पर जो हमें छुरी कैंची का इस्तेमाल करते हैं क्या वो भी नहीं कर सकते? प्रभु जी कहते हैं कि एकादशी के दिन जो है वो बहुत से नियमों का पालन करना पड़ता है। मना किया जाता है कि आपको बाल नहीं कटवाने चाहिए, सर के शेव नहीं करनी चाहिए एकादशी के दिन। परंतु प्रभु जी पूछ रहे हैं कि जो हम सीजर चलाते हैं या फिर नाइफ छुरी चलाते हैं भगवान के लिए फ्रूट्स काटने के लिए, तो क्या हमें इसको भी यूज़ नहीं करना चाहिए? देखिए, एकादशी के दिन में बाल कटवाना सर के या शेव करना मना किया जाता है। इसका मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर जम्स होते हैं और एकादशी के दिन हमें जितना हो सके पाप कर्मों से बचना होता है, जीव हत्या से बचना ही होता है। तो ख़ास तौर पर उन दिनों में इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा जाता है, इसलिए हमें शेव करना और सर के बाल कटवाने से मना किया जाता है। और रही बात सीज़र चलाने की या नाइफ या छुरी कैंची चलाने की, तो इसमें कोई मना नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा में हम छुरी का या नाइफ का इस्तेमाल करते हैं फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए और भगवान को भोग लगाने के लिए, या समटाइम भगवान के लिए प्रसाद बनाना हो एकादशी के बारे में, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। तो इसमें कोई मना नहीं, आप कर सकते हो। चौथा प्रश्न राहुल प्रभु जी लिखते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर तुलसी माला पहन कर कहीं बाहर काम करने जाएंगे तो वहाँ प्याज लहसुन खाना पड़ता है, तो क्या उचित है? प्रभु जी देखिए, अगर आपका लहसुन प्याज बिल्कुल ही छोड़ा हुआ है और घर में आपको बिना लहसुन प्याज के भोजन मिलता है और भगवान को भोग लगाकर आप खा रहे हो, तो आपका फुल टाइम अगर छोड़ा हुआ है तो आप बाहर भी उसी तरह की व्यवस्था करेंगे। ऐसा नहीं कि आप घर पर तो व्यवस्था अच्छी है, ठीक है, आपको बिना लहसुन प्याज के भोजन मिल रहा है, आप खा रहे हो, और बाहर जाना पड़ता है तो आपको आप लहसुन प्याज खाना शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि देखो कि हम कहीं बाहर जाते हैं, पाकिस्तान कंट्री, यहाँ पर बहुत जगह पर दिक्कत होती है, तो बाहर कहीं आना जाना होता है तो हम क्लियरली उन्हें कहते हैं कि हम लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं खाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि बाहर जाते हैं तो हम खाने लग जाएं, आप उन्हें क्लियरली कहिए कि मैं लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं खाता हूँ। अगर फिर भी वहाँ से व्यवस्था नहीं होती है तो कुछ और खा लीजिए, फ्रूट्स खा लीजिए या दूसरी ऐसी चीज़ें खा लीजिए जहाँ पर बिना लहसुन प्याज के भोजन मिलता हो। और भारत में तो बहुत सी जगहों पर ऐसी व्यवस्था है कि बिना लहसुन प्याज के आपको भोजन मिल जाता है। हमारे यहाँ पर तो बहुत दिक्कत है कि आप सिटी में भी, एरिया में भी हम जाते हैं तो मांसाहार और लहसुन प्याज के बिना कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। परंतु अगर ऐसी स्थिति कहीं आ जाती है कि भोजन लहसुन प्याज वाला हमें नहीं मिलता है, तो या हम फ्रूट खाते हैं या तो फिर दही, इन तरह की छोटी छोटी चीज़ों में हम भोजन कर लेते हैं। तो आपको भी ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, अगर आपका फुल टाइम छोड़ा हुआ है तो बाहर भी आप लहसुन प्याज वाला भोजन नहीं खाइए। अगर कुछ दिनों के लिए व्यवस्था है ऐसी तो आप मैनेज करिए, मुश्किल से जैसे भी तैसे आप मैनेज करिए, परंतु रेगुलर वहाँ पर रहना पड़ रहा है, जैसे कि पढ़ाई के हिसाब से या काम के हिसाब से आपको वहाँ पर रहना पड़ रहा है और कोई व्यवस्था नहीं है और अधिक दिनों तक, बहुत महीनों तक, सालों तक आपको वहाँ पर रहना पड़ रहा है, तो फिर आप वहाँ पर ले सकते हैं, लहसुन प्याज वाला खा सकते हैं। परंतु जितना हो सके अपनी अलग से व्यवस्था करिए तो और भी अच्छा होगा। पाँचवा प्रश्न सुरेखा माता जी पूछती हैं, राधे राधे प्रभु जी, क्या एक राउंड की तुलसी माला पहनना मना नहीं है? एक राउंड की तुलसी की माला पहने तो क्या होता है? देखिए माता जी, वैसे तो कुछ नहीं होता, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जिस संप्रदाय में आप जुड़े हुए हो उसी के अनुसार आपको उन नियमों का पालन करना पड़ता है और अपने जीवन को चलाना होता है। जैसे कि इस्कॉन में है तो इस्कॉन का नियम क्या है, और आप किस संप्रदाय से जुड़ी हुई हैं उनके अनुसार आप उनसे पूछ लीजिए कि अगर हम एक राउंड कंठी माला पहनते हैं तो इशू तो नहीं है इसका, या नियम के अनुसार क्या होना चाहिए। देखिए, अच्छा तो यही होगा, मैंने कल की वीडियो में बताया था कि दो राउंड कंठी माला दीक्षा से पहले ज़रूर होनी चाहिए,
एक तो ये कि हमारे कंठ को टच करे, थोड़ी टाइट होनी चाहिए और लोगों को भी दिखे ताकि वो तुलसी महारानी के दर्शन कर सकें। और बहुत से जो भक्त जिन्होंने तुलसी माला धारण नहीं की है उनके मन में भी तुलसी माला धारण करने का भाव प्रकट हो। तो अगर शर्म के कारण आप पहनना नहीं चाहती हैं तो कृपया इनको इग्नोर करते हुए दो राउंड कंठी माला पहनें, यानी कि शर्म नहीं करिए। कल की वीडियो में मैंने इसके बारे में बताया था, आप उसको भी अच्छे से सुन लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपके सारे प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिले होंगे। और अगर आपने हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि इस तरह के हम टॉपिक और भी लाते रहें। अगर आपके और भी कोई प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।